Good morning, children. Jai Gurudev. Today we are going to do chapter 8 of maths, Who is Heavier? You have learnt heavy and light. Heavy means bhari, light means halka. If you see a feather and a stone, you know, and you will say feather is light and stone is heavy. But seeing the object, we cannot say which is light, which is heavy. Let's see in this chapter. Here you can see this girl. Her name is Shabnam. Shabnam loves to eat jaggery and groundnuts. Jaggery means gur and groundnut means singdana. So she purchased 1 kg of jaggery and 1 kg of groundnuts. Kg means short form of kilogram. Now, you can see here, she is having a bag full of groundnuts and in other hand, she is having gur. But the bag of groundnuts is big and the bag of gur is small. Both are of 1 kg. So, both are equally heavy. But groundnuts bag is big. Why? Here, groundnut or gur. Dono equal weight hai dono ka. Groundnut is also 1 kg, gur is also 1 kg. Lekin groundnuts chote chote hote hain, isliye 1 kg mein bahut sare groundnuts milte hain humko. Isliye uska bag bhi bada hai. Gur ke pieces bade hote hain, gur heavy hota hai ek groundnut ke comparison mein. Isliye gur ka packet ya gur ka bag chota hai. So similarly, we can compare other things also. See here, you have to guess for which of these you need a bigger bag. Yahan pe kiske liye bada bag chahiye? 1 kg popcorn and 1 kg sugar. Dono mein se kiska bag bada hoga? Dono equally heavy hain. Dono ka weight same hai. Dono ka weight 1 kg hai. Lekin popcorns halke hote hai. Sugar छोटी होती है लेकिन भारी होती है. सो इफ यू परचेज दीज टू ऑफ 1 kg तो पॉपकॉर्न का जो बैग होगा वो बहुत बड़ा होगा कंपेयर टू 1 kg शुगर. नाउ सी हियर, 1 kg पीस और 1 kg पोटैटोस, इन दोनों में से किसका बैग बड़ा होगा? 1 kg पीस का बैग बड़ा होगा. अगर 1 kg पीस खरीद के लाओगे तो उसका बैग बड़ा होगा और 1 kg पोटैटोस खरीद के लाओगे तो उसका बैग छोटा होगा. क्योंकि अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे तो पीस छोटी होती है, हल्की होती है एंड पोटैटोस हैवी होते हैं. सो दिस इज हाउ, दोनों का वेट सेम है क्योंकि दोनों 1 kg है. बट बिकॉज पीस आर लाइटर देन पोटैटोस, ज्यादा पी जाएंगे 1 kg में. लेट्स सी द स्टोरी ऑफ पम्पकिन टमेटो पंगा. ओके, पंगा लेना मालूम है ना? सो पम्पकिन टमेटोस, उनके बीच क्या पंगा हुआ? लेट्स सी. देयर वाज अ सीसॉ इन अ प्लेग्राउंड. सीसॉ में तुम लोग खेला होगा. उस सीसॉ पे टमेटोस को खेलना बहुत पसंद था तो वो रोज गार्डन में आके उस सीसॉ पे खेलते थे. एक दिन एक बड़ा सा पम्पकिन आके वो सीसॉ पे बैठ जाता है एंड बिकॉज वो हैवी है, भारी है, इसलिए वो जहाँ बैठा है वो साइड नीचे हो गई एंड नाउ टमेटोज आर नॉट एबल टू प्ले. तो व्हाट दे थिंक कि हम एक काम करते, क्योंकि वो तो छोटे हैं टमेटोज, वो एक टमेटो ऊपर बैठेगा तो पम्पकिन हिलेगा भी नहीं. सो दीज टमेटोज दे डिसाइड कि हम सब मिलके एक तरफ बैठ जाते हैं. तो जितने भी छोटे छोटे टमेटोज थे वो सब एक एक करके सीसॉ के दूसरे साइड पे चढ़ जाते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके 25 छोटे छोटे टमेटोज ऊपर चढ़ गए लेकिन फिर भी पम्पकिन को कुछ भी नहीं हुआ, वो नीचे का नीचे ही रहा क्योंकि वो 25 टमेटो से भी ज़्यादा हैवी था, इसलिए वो ऊपर नहीं आया.
So after that, the big tomatoes, they decided to help. बड़े वाले टमेटोज ने छोटे टमेटोज की हेल्प करने की सोची. सो लिटिल वंस, जो छोटे टमेटोज थे वो सब नीचे आ गए और फिर बड़े टमेटोज ऊपर चढ़े ऑन द अदर साइड. एक साइड तो पम्पकिन बैठा हुआ है, दूसरे साइड पे बड़े वाले टमेटोज, जो बड़े मोटे टमेटोज थे वो छोटे वालों से थोड़े ज़्यादा हैवी थे इसलिए वो सब चढ़ गए. तो 1, 2, 3, 4 करके 20 बड़े टमेटोज दूसरे साइड पे बैठ गए. जब 20 टमेटोज बड़े वाले दूसरी साइड पे बैठे तब जाके वो पम्पकिन ऊपर हवा में चला गया एंड इट स्टार्टेड शाउटिंग, ब्रिंग मी डाउन प्लीज. ओके, एंड दे वर दीज टमेटोज, दे वर सो हैप्पी. कैन यू सी दिस? सो आफ्टर दिस स्टोरी यू हैव अ क्वेश्चन. सी द क्वेश्चन. The question is, how many small tomatoes do you think could lift the pumpkin? कितने छोटे tomatoes चाहिए थे pumpkin को lift करने के लिए? हमने story में देखा कि 25 tomatoes छोटे वाले ऊपर बैठे थे तो भी कुछ नहीं हुआ, तो 10 और 20 से तो कुछ नहीं होगा. So how many tomatoes are needed? उन्होंने 3 numbers दिए हैं आपको. So which one do you think is correct? 40, क्योंकि 25 तो बैठे थे फिर भी पम्पकिन को कुछ नहीं हुआ. देयर इज अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन? सो इफ वन साइड अ वन बिग पम्पकिन इज देयर एंड अदर साइड मैंगोज आर केप्ट, कितने मैंगोज लगेंगे पम्पकिन को बैलेंस करने के लिए या उठाने के लिए? जैसे टमेटोज वी सॉ इन द स्टोरी, हाउ मेनी टमेटोज बिग वंस वे नीडेड? 20 टमेटोज. लेकिन मैंगो तो टमेटो से ज़्यादा बड़ा होता है, हैवी भी होता है, भारी होता है ना मैंगो, तो 20 से कम मैंगोज लगेंगे. सो यू हैव टू गेस द नंबर, 10 मैंगोज या 15 मैंगोज, कितने चाहिएंगे एक पम्पकिन को बैलेंस करने के लिए? और अगर सपोज इंस्टेड ऑफ मैंगोज एक तरफ तुम बैठते हो और एक तरफ पम्पकिन है, तो अब पम्पकिन लाइट हो गया, तुम हैवी हो गए, तो जब तुम हैवी हो तो तुमको बैलेंस करने के लिए वन पम्पकिन इज नॉट इनफ, ज़्यादा पम्पकिन्स चाहिए. कितने पम्पकिन चाहिए? कैन यू गेस? 10-12 पम्पकिन्स तो चाहिए होंगे डिपेंडिंग ऑन योर वेट. ओके, सो दिस इज हाउ, मैंगो इज लाइटर देन पम्पकिन, पम्पकिन इज लाइटर देन यू. या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि मैंगो और पम्पकिन में से पम्पकिन हैवी है और पम्पकिन और तुमको कंपेयर करेंगे तो तुम हैवी हो. लेट्स सी वन मोर स्टोरी हियर, डबल हर वेट. ओके, भारतीज पेरेंट्स, भारती इज़ ए गर्ल और उसके पेरेंट्स उसका बर्थडे अलग तरीके से मनाते हैं बिकॉज शी वॉज बॉर्न ऑन इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त. तो जो भी भारती का वेट होता है उसके वेट का डबल, 2 times उतने स्वीट्स वो पुअर पीपल में बांट देते हैं. तो वेन भारती वॉज बॉर्न तो उसका वजन किया वेन शी वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, फिर उस जितना वजन था उतने और स्वीट्स लेके वो पुअर पीपल में बांट देते. नाउ हियर द क्वेश्चन, भारती वेन शी वॉज एट द टाइम ऑफ बर्थ 3 kgs, उसका वजन 3 kg था, तो 3 + 3 = 6 kgs के स्वीट्स उन्होंने बांटे थे. जब भारती 1 साल की हुई 1 year तो उसका वेट था 9 kgs एंड 9 + 9 = 9 + 9 गिव्स यू, डबल करना है ना, सो 9 + 9 = 18. तो 18 kg के स्वीट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए पुअर पीपल में. व्हेन शी वाज 2 years old उसका वेट कितना है पता नहीं, पर यहाँ पे 13 + 13 लिखा है, 26 kg स्वीट्स उन्होंने बांटे, मीन्स भारती का वेट वॉज 13 kg. व्हेन शी वॉज 3 years old तो उसका वेट हो गया 17 kg, तो कितनी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की, 17 + 17 दैट इज 34 kg स्वीट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की. अब व्हेन शी वॉज 4 years old उसके वेट नहीं दिया है, बट यहाँ पे दिया है कि व्हेन शी वॉज 5 years old हर वेट वॉज 28 kg.
सो दोनों के बीच का कोई वेट होगा, अप्रोक्सीमेटली मे बी 22 kg या समथिंग, मालूम नहीं, कुड बी, शायद उसका वेट 22 हो सकता है, 21 हो सकता है, 23 हो सकता है. तो विल गेस वन, एंड उस गेस के हिसाब से कितने स्वीट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे. 22 + 22, दैट इज 44 kg स्वीट्स. एंड सिमिलरली 5 इयर्स ओल्ड में कितनी स्वीट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की होगी. यू फाइंड आउट योर सेल्फ, गेस योर ओन वेट एंड राइट योर, लेटर यू कैन चेक दैट वेट. लेट्स सी वन मोर स्टोरी. यम यम खिचड़ी. खिचड़ी तो आप सबने खाई होगी, और उसमें क्या क्या होता है शायद मालूम हो आपको, कि उसमें राइस ज़्यादा होता है, फिर उससे थोड़ा कम दाल डालते हैं, पीस या फिर पोटैटोज डालते हैं, उससे कम उसमें ऑनियन होता है, फिर उसमें सॉल्ट, चिली पाउडर ये सब डालते हैं, एंड मस्टर्ड सीड्स भी डालते हैं. सो शुगर तो वॉज ए बॉय, उसने रेडियो पे अच्छी सी खिचड़ी की रेसिपी सुनी और उसने नोट डाउन किया. लेकिन जो उसने नोट डाउन किया वो सब गड़बड़ नोट डाउन किया, कुछ भी करेक्ट नहीं था. वॉट ही रोट डाउन इज 4 2 स्पून्स ऑफ वाटर इन अ पॉट, सिर्फ 2 चम्मच पानी लेने को लिखा है. बॉइल द वाटर एंड एड 1 पिंच ऑफ दाल. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. देन 1/2 kg रेड चिली पाउडर. 1/2 kg तो पूरे महीने के लिए लेकर आते, एक बार में 1/2 kg चिली पाउडर थोड़ी यूज करते. देन ही रोट 1 बोल ऑफ सॉल्ट. ना 1 बोल ऑफ सॉल्ट डालेंगे तो खाएंगे कैसे, सिर्फ नमक रहेगा उसमें. नाउ पुट अ स्पून ऑफ राइस. खिचड़ी में सिर्फ 1 स्पून राइस, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. एड 2 पीस एंड 8 ग्लास ऑफ मस्टर्ड सीड्स. तो इतनी सारे 8 ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड्स थोड़ी डालते हैं. फाइनली एड 1 kg ऑफ ऑनियन. मिक्स एवरी थिंग एंड बॉयल फॉर 15 मिनट्स. अब ये जितने भी रेसिपी उसने नोट डाउन की है, दैट इज ऑल रॉन्ग. अब आपको उसकी हेल्प करनी है एंड रेसिपी ठीक से बतानी है. तो सबसे ज़्यादा राइस होता है, तो राइस इज 1 kg, दाल इज 1/2 kg. नाउ यू हैव टू फाइंड फ्रॉम हियर कि पीस के लिए क्या लिखेंगे, कि हाउ मच पीस. सो 1 बोल ऑफ पीस के. वाटर, तो वाटर तो ग्लास से मेजर करते हैं, तो 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, वाटर के सामने 8 ग्लासेस लिखना है. ऑनियंस हाउ मच, दैट यू हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी ऑनियंस यू हैव टू ऐड. देन सॉल्ट, हाउ मच सॉल्ट, टू फाइंड आउट 2 स्पून्स सॉल्ट. देन मस्टर्ड सीड्स हाउ मच, अ पिंच ऑफ मस्टर्ड सीड्स, चिली पाउडर हाउ मच. ऑल दिस यू हैव टू फाइंड फ्रॉम हियर एंड राइट डाउन हियर एंड कंप्लीट दिस टेबल. ऑन पेज नंबर 118 ऑफ योर टेक्स्ट बुक वन टेबल इज गिवेन टू यू. यू हैव टू राइट हियर द नेम ऑफ द थिंग्स और वो कितनी खरीद के लाते हैं. सपोज पटेटोज है, तो एक बार में 2 kg पटेटोज लेकर आते हैं, तो यहाँ पे यू हैव टू राइट पटेटोज और यहाँ पे आपको लिखना है 2 kgs. सपोज आपके घर में 5 kg राइस खरीदते हैं, तो राइट हियर राइस और यहाँ पे लिखना है 5 kgs. चिली पाउडर सपोज आप खरीदते हो एंड 250 ग्राम्स या 500 ग्राम्स खरीदते हो, तो यहाँ पे दैट वेट यू हैव टू राइट, 500 ग्राम्स या 250 ग्राम्स. सो दिस टेबल यू हैव टू कंप्लीट. और कभी आपके जैसे फेवरेट बिस्किट्स है, तो इफ़ यू वॉन्ट टू चेक, तो ऐसे पैकेट के पीछे आप देख सकते हो कितने ग्राम्स है. ऑयल के पैकेट के पीछे भी देख सकते हो कितने ग्राम्स या कितने किलोग्राम्स है. तो यहाँ पे लिस्ट है ऑफ थिंग्स एंड यू हैव टू फिल दिस टेबल. आपके घर में जो जो चीज़ें खरीद के लाते हैं आपके पेरेंट्स, उसका कितना वेट होता है वो यहाँ पे लिखना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है अपनी टेक्स्ट बुक में. नाउ हियर यू हैव टू गेस द वेट ऑफ द थिंग्स विच आर सीन हियर. यहाँ पे कुछ वेट्स लिखे हुए हैं, 10 kg,
400 kg, less than 1 kg, 1 kg से भी कम, and more than 1000 kg, 80 kg and 2 kg. और यहाँ पे एक लगेज है, एक काउ है, एक बैग है, एक छोटा सा डॉग है और एक एलिफेंट है. सो यू हैव टू गेस कि किसका कितना वेट होगा. जैसे 10 kg है, तो 10 kg इसमें से किसका वेट 10 kg हो सकता है. ओके, एक मैंगो भी है, तो किसका वेट 10 kg हो सकता है, सूटकेस का. देन नेक्स्ट वन इज ए काउ, तो काउ का वेट कितना होगा. काउ तो कितनी बड़ी होती है, तो हैवी भी होगी, तो इन सब में से उसका वेट कितना होगा ये आपको गेस करना है. सबसे बड़ा नंबर है 1000 kg, और मोर देन 1000 kg किसका होगा यहाँ पे, एलिफेंट का. देन यू हैव 80 kg, 400 kg, 10 kg, लेस देन 1 kg एंड 2 kg. तो 2 kg डॉग का होगा एंड लेस देन 1 kg मैंगो का, क्योंकि मैंगो तो छोटा होता है, तो उसका वेट 1 kg से भी लेस. नाउ दीज टू आर लेफ्ट. ओके, तो इसमें से ज़्यादा भारी कौन सा है, काउ. सो काउज वेट विल बी 400 kg एंड बैग का होगा 80 kg. सो ये गेस करना है. सीइंग द साइज हमको वेट नहीं पता, लेकिन इतना मालूम है कि कौन से भारी है और कौन सा लाइट है. नाउ यू हैव वन मोर एक्सरसाइज, दिस इज अ वेरी ईजी वन. यू हैव टू गेस कि किसका वेट 1 kg यानी 1 kg से ज़्यादा है और किसका वेट 1 kg से कम है. सो वॉट इज हैवी एंड वॉट इज नॉट. लाइक योर स्कूल बैग, स्कूल बैग भारी होता है, सो इट इज मोर देन 1 kg. ज्योमेट्री बॉक्स इज स्मॉल, सो इट्स वेट इज लेस देन 1 kg. ब्रिक जिसे घर बनाते हैं, दैट इज हैवी, इट इज मोर देन 1 kg. बिग पम्पकिन, दैट इज ऑल्सो मोर देन 1 kg. लेकिन तुम्हारे स्लीपर्स या शूज, दैट इज लेस देन 1 kg. वट यू सी हियर इन दिस पिक्चर, दिस इज अ बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस. इफ यू हैव दिस बैलेंस, यू कैन ईजिली फाइंड आउट विच वन इज हैवी एंड विच वन इज लाइट. जैसे यहाँ पे एक साइड पे बॉल है, क्रिकेट बॉल, एंड अदर साइड इज अ बॉटल, वाटर बॉटल. सो विच वन इज हैवी, द साइड विच गोज डाउन, जो साइड नीचे चला जाएगा उसमें जो भी चीज़ है दैट इज हैवी. सो अगर आपके पास बीम बैलेंस है तो आप कंपेयर कर सकते हो कि योर शूज या पेंसिल बॉक्स विच इज हैवी, फिर मैथ्स बुक और हिंदी बुक में से कौन सी हैवी है, योर बैग एंड योर फ्रेंड्स बैग उसमें से कौन सा हैवी है. यूजिंग दिस बैलेंस यू कैन फाइंड आउट. सो हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट बैलेंस. ऐसे सब्जी वालों के पास देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन दिस टाइप ऑफ बैलेंस इन सम शॉप्स. और आजकल ऐसे बैलेंस भी बहुत सारे शॉप्स में होते हैं, स्वीट शॉप्स में होते हैं, जहाँ पे या नीचे नंबर लिखा हुआ था, दीज आर डिजिटल वंस. और घर पे हम इस तरह के बैलेंस रखते हैं विच इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस. ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस. और ये जो नीचे है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट. जैसे ये 10 kg का वेट है, दिस इज 2 kg, दिस इज 500 grams. ये दोनों तो सब्जी वाले के पास भी दिखते हैं, लेकिन ये जो बड़ा वाला वेट है 10 kg, ये ग्रेन शॉप में दिखेगा आपको, जहाँ पे से आप बहुत सारे एक पूरा सैक राइस का या फिर वीट का खरीदते हैं, वहाँ पे आपको ये 10 kg का वेट दिखेगा. ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेइंग मेजर्स, बैलेंसेस जिनको बोलते हैं. ओके, एंड आप बड़े जो वेट्स हैं ना, इससे भी ज़्यादा बड़े वेट्स देखोगे जो ग्रॉसरी शॉप्स होती हैं, जहाँ पे से आप ग्रेन्स खरीदते हो स्पेशली, या फिर जंक डीलर जो होता है, जो भंगार वाले आपके घर आता है सामान लेने, लेकिन उनके जो शॉप्स होते हैं या उनके जो डंप यार्ड्स होते हैं, वहाँ पे इससे भी बड़े बड़े वेट्स आपको दिखेंगे. सो दीज आर सम वेट्स एंड बैलेंसेस. So now can you guess which one is going to be heavy, a bag full of 1 kg cotton or a piece of iron which weighs 1 kg?